Good morning, students. I am the academic expert of Defence Officers Academy. आज हम लोग बेसिकली RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल्स के लिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज मैथ से स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन मैथ्स में बहुत है। ठीक है, और उस छोटे से टॉपिक का नाम है यूनिटरी मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिटरी मेथड स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें सिर्फ कंपैरिजन सीखना है, और इट्स वेरी इजी। सारे बच्चे लोग करते हैं, मार्केट जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन बेटा। देखो कितना इजी है, आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अच्छा, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि दो लस्सीज मार्केट में अगर 80 रुपीज की है, सपोज, ठीक है ना, अगर दो लस्सीज मार्केट में 80 रुपीज की है, तो पांच लस्सी कितनी की होंगी बेटा? पांच लस्सी सी। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर भी किससे करना है? दो लस्सी के प्राइस से। तो ये जो प्राइस हमें गिवन है बेटा, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इस प्राइस को बेटा हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, ये अभी बाद में बड़ा यूजफुल रहेगा आपके लिए, इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम लोग इससे कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इसका नाम है इंडिविजुअल वैल्यू। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर टू लस्सीज 80 रुपीज, सो फाइव लस्सीज 80 रुपीज से ज्यादा या कम ना, तो बहुत ही इजी है, बच्चे लोग सीधा आंसर बता देंगे मुझे। लेकिन अभी हमें कंपैरिजन सीखना है बेटा, अभी हम लोग आंसर के लिए नहीं जा रहे हैं, अभी हमें कंपैरिजन सीखना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अभी हम एक बेसिक चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, दो लस्सीज 80 रुपीज, तो फाइव लस्सीज मोर देन 80 से ज्यादा। तो जैसे ही कंपैरिजन में मोर आया, ज्यादा आया, तो यू विल राइट हियर मोर। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे मोर, और मोर आते ही आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, मोर आते ही कंपैरिजन में आपका फॉर्मूला बन जाएगा मोर अपॉन लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है बेटा, इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा आईवी, मोर अपॉन लेस इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। कंपैरिजन में मोर, न्यूमरेटर में मोर। ठीक है, ओके, वैल्यूज डालते हैं। अच्छा, मोर कितना है बेटा? मोर इज 5, लेस इज 2, इनटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 80 रुपीज, कैंसिल, 240 टाइम्स 540, 200 रुपीज, कितना है? 200 रुपीज। ओके, सो वेरी सिंपल। इसी का अगला वेरिएशन देखते हैं। आपने एक चीज नोट करी होगी बेटा, वी हैवंट कैलकुलेटेड द प्राइस ऑफ वन लस्सी। हमें एक लस्सी का प्राइस, जैसे आप लोग स्कूल में सीखते हो, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली विल गेट आवर आंसर। ओके, अगला वेरिएशन देखते हैं। अगला वेरिएशन ये है, फाइव लस्सीज अभी निकाला हमने 200 रुपीज ना, फाइव लस्सीज 200 रुपीज, तो फोर लस्सीज कितनी की? हमने मोर वाला तो देख लिया, यहां पर ये लेस वाला है बेटा। अगर पांच लस्सी 200 रुपए की है, कितना आसान देखो कंपैरिजन, तो फोर लस्सी जाहिर सी बात है बच्चे कहेंगे लेस, सर ये तो सस्ती आएगी, कम आएगी। और जैसे ही कंपैरिजन में आया लेस, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? लेस अपॉन मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट आईवी। अगेन वैल्यूज रखते हैं और आंसर निकालते हैं। वैल्यूज क्या होगी हमारी? लेस इज 4, मोर इज 5, इनटू इंडिविजुअल वैल्यू कितना? 200 रुपीज, वी हैव टू कैंसिल 5, 40 टाइम्स 44 जा 160 रुपीज, सो इजी। ठीक है बेटा, ये यूनिटरी मेथड एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, जिसका वेटेज आगे बहुत ज्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि 20% ऑफ द सिलेबस आपका यूनिटरी मेथड कवर करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, लाइक परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एरिया, पेरीमीटर, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, एंड सारी चीजों में इसका बहुत यूज है। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एट लास्ट आई वांट टू से कि जो भी आंसर आएगा बेटा, दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। अगर इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पर रुपीज में है बेटा, सी यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यू रुपीज में है, तो आंसर विल कम इन रुपीज। ठीक है, आंसर विल कम इन रुपीज। अगर इंडिविजुअल वैल्यू इन फ्यूचर सपोज एरिया में हो, मीटर स्क्वायर में हो, तो यूनिट विल कम मीटर स्क्वायर। अगर इंडिविजुअल वैल्यू आपका नंबर ऑफ पर्संस में हो, तो आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, तो वही नोट मैं आपको लिखा लेता हूँ एट लास्ट, ये नोट जरूर लिखना, जो लोग भी नोट्स बना रहे हैं, यू हैव टू राइट दिस नोट, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट क्या है हमारा? नोट ये कहता है कि आंसर ऑलवेज कम्स इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू आईवी। ओके बच्चे, एक छोटा सा और वेरिएशन है इसमें, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको, एज अ नोट लिखाऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, कभी कभी बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है तो बहुत सिंपल सी चीज, लेकिन फिर भी
फिर भी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। अच्छा अभी हमने 5 लस्सीज के प्राइस निकाले, 5 लस्सीज के प्राइस कितने आए बेटा, 200 रुपीस। अगर 5 लस्सीज 200 रुपीस के हैं तो सपोज 6 बनाना शेक्स कितने के आएंगे, बनाना शेक्स ना। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा सोच सकता है 6 सर ज़्यादा आएगा, कोई सोच सकता है कम आएगा, क्या पता लस्सी महंगी हो। बेटा याद रखना कि ये हमारी कोई जूस की दुकान नहीं है, इट्स अ सिंपल मैथ्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लस्सीज और बनाना शेक्स नहीं बेच रहे हैं, इट्स सिंपल मैथ्स। हमेशा आपको याद रखना है अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज हमें दिए बेटा तो हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। लस्सी दिया है और बनाना शेक पूछ रहा है, यू नो वी कैन नॉट फाइंड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट क्या लिखूंगा मैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, कि यूनिटरी मेथड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट थिंग्स और कॉमोडिटीज ऑल्सो, आई कैन राइट ना, और ऑन डिफरेंट थिंग्स। तो अलग अलग चीजों में याद रखना, ये आपको हिंट बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप कहोगे सर कहाँ यूनिटरी मेथड लगाना है, जहां पर हमें सेम चीजें दी हैं बेटा, ठीक है, वहीं पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तो आपने देखा कि कितना इजी मेथड था यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके RIMC, RMS और सैनिक स्कूल में पूछे गए, ठीक है। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।